आपको पता है मेरे चैनल पे भी सिर्फ 13 सब्सक्राइबर है, और जो व्यूज है वो आप देख ही रहे होंगे इस वीडियो के नीचे, या फिर आप कौन से भी वीडियो के नीचे जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेरे कितने व्यूज रहते हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि इसके तो इतने कम है सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, तो ये क्या बोलेगा यूट्यूब ग्रो कैसे करते हैं, या ये क्या कैसे क्या बोलेगा जैसे कि ये हम लोग को हेल्प हो, मीन्स आप लोगों को। अरे हाँ, तो यही सच है। और मैं आपको बोल दूँ तो मैं भी इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, ना मुझे कुछ फल मिल रहा है। तो जैसे मैंने बोला कुछ फल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। वैसे आपने देखा लाइट भी चली गई, तो मैं अभी देखो खिड़की खोल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी फिर उसी टॉपिक पे जाते हैं। तो ना मुझे कुछ फल मिल रहा है, ना मुझे कुछ इज्जत है, ना कुछ वैल्यू, या फिर ना कुछ पैसा, कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी मैं बना रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर एक मिडल क्लास मीन्स मिडल में लो क्लास वाला लड़का इतना मेहनत कर सकता है, इतना नहीं मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत मेहनत कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास तो उतने कुछ मटेरियल्स है ही नहीं। मैं फ़ोन पे शूट करता हूँ, प्लस एक लड़का पीछे खड़ा है, वो सिर्फ पकड़ रहा है कैमरा, ट्राइपॉड ना कुछ नहीं, माइक नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं इतना थोड़ा बहुत ट्राई करके अपलोड कर सकता हूँ वीडियो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों इतना मीन्स नेगेटिव थिंक करते हो कि वीडियोज़ वायरल नहीं हो रही, या वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे तो हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं, या यूट्यूब का ये छोड़ देते हैं? अरे थिंग वो नहीं है, थिंग है एक्सपीरियंस। और जो सब लोग बोलते हैं कि यूट्यूब के एनालिटिक्स, थंबनेल, ऑल एंड ऑल चेक करो या इम्प्रूव करो, कंटेंट इम्प्रूव करो, अरे बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आप फ्रेशर रहते हो तो आपके पास नहीं रहता। तो वो एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग मीन्स जो फर्स्ट डे से लेके आपको 6 मंथ या फिर 1 साल तक आपको घिसना पड़ता है, ठीक है? आपको जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतने आपको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि देखो फर्स्ट डे में आपको कितने व्यूज़ आते हैं, 10, 20, 30 ज़्यादा से ज़्यादा, बट सेकेंड डे में आपको 20 से लेके 40 के बीच में आते हैं, थर्ड डे में, ऐसे मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ बट इतना किसी का आता नहीं है। नॉर्मली मेरे भी व्यूज़ फर्स्ट डे में 4 से लेके 5 थे, ठीक है? और अभी किधर जाके 50 या फिर कभी बाई चांस 50 जाता है, वरना 30-20 ऐसे ही रहते हैं। वो भी मुझे 1 महीना हो गया वीडियो बनाते हुए, और पुराने चैनल में मेरे व्यूज़ आते थे, उसमें 70 सब्सक्राइबर थे, बट वो चैनल का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से मैंने वो लीव कर दिया। और जो दावा करते हैं यूट्यूबर्स, या फिर जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहें दो, या फिर लाखों के सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स रहें दो, वो भी ऐसे दावा करते कि मेरा ऐसा चैनल था उसमें मैंने 1 महीने में या फिर 15 दिन में 10,000 सब्सक्राइबर, 20, 30, 40,000 सब्सक्राइबर लेके आया हूँ, बट उनको ये नहीं मीन्स आप लोगों को ये नहीं पता रहता कि उनका भी एक पुराना चैनल रहता है, ठीक है? वो उन पुराने चैनल पे इतने साल घिसने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद उनको वो लाखों सब्सक्राइबर मिलते हैं, और फिर उसके बाद जो नया चैनल वो क्रिएट करते हैं उसमें क्या रहता है, उनका टॉकिंग स्टाइल या कंटेंट, ये वो डॉट एंड डॉट, ऑल एंड ऑल सब कुछ क्लियर रहता है, इसकी वजह से उनके व्यूज़ आ जाते हैं। बट अपने वैसे नहीं है, अपन लोग को पता नहीं है हम कैसे बोले या फिर कैसे, कुछ एक्सपीरियंस अपने को नहीं है, उनको वो एक्सपीरियंस रहता है सो उनके आते हैं। तो मेन चीज़ है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करो, ना कि एनालिटिक्स, ना कि थंबनेल, ना कि ये वो डॉट एंड डॉट ऑल सब बोलते हैं। क्यों? ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये कब, जब आपका टॉकिंग स्टाइल या फिर जब आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो जाएगा तब आपको ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने ये थंबनेल, फिर टाइटल एंड डॉट इन सब के ऊपर फोकस किया, एनालिटिक्स ये वो, तो आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लिक बेट हो जाएगा, या फिर आपका ज़्यादातर मीन्स लोग सब क्लिक करेंगे आपके वीडियो में, ना नहीं बोल रहा, व्यूज़ आपको मिलेंगे, बट क्या होगा, स्टार्टिंग में आपके 10-15 व्यूज़ आ गए एकदम 1 घंटे में, तो आपको लगेगा कि वीडियो अभी वायरल होने जा रही है। वो कैसे व्यूज़ आए, वो क्लिक बिट्स है। क्यों? आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव है, लोगों को लग रहा है कि वो क्लिक करे, बट अंदर का जो कंटेंट है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो लास्ट तक लोगों को बनाए रखे, तो आपका वॉच टाइम नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से आपके वीडियोस फॉरवर्ड नहीं हो रहे, क्लिक तो हो रहे बट फॉरवर्ड नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेन चीज़ ऑल एंड ऑल फिर से वही बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस। तो आप लोग ये सोचोगे कि एक्सपीरियंस कितना टाइम लगेगा आने को,
तो सिर्फ इतना सोचना, माइंड में इतना रखना, जब तक आप परफेक्ट नहीं होते तब तक आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। आप परफेक्ट हो गए तो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, वो भी ऑटोमेटिकली, कुछ आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थंबनेल भी अट्रैक्टिव नहीं रहा बट एक जन ने क्लिक किया और उसने पूरी वीडियो देखी, तो वो 10 जनों को फॉरवर्ड होनी ही है, ठीक है। तो उन 10 जनों में से 2 जन तो देखेंगे, तो 2 जन देखने के बाद और वो 10 और 10 ऐसे 20 जनों के पास फॉरवर्ड होगी। तो वो बात आप छोड़ दो कि थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए ये वो, बट आपको ट्राई करते रहना है जब तक वीडियो ग्रो नहीं हो रहा। और जहाँ तक बात है टाइम की, तो नॉर्मली कोई कोई 3 मंथ में भी, कोई कोई 6 मंथ में भी हो जाता है, और किसी किसी को साल भी लगता है, 1 साल 2 साल, वो उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना अच्छे से या फिर कितना मीन्स टाइटली ले रहे हैं यूट्यूब को, ठीक है। बट नॉर्मली आप सोचना चाहो या बोलना चाहो तो 6 मंथ काफ़ी है एक चैनल या फिर एक एक्सपीरियंस लाने को, ठीक है, एक चैनल को अच्छा एक्सपीरियंस लाने को। तो वैसे ही मुझे भी अभी ये चैनल में तो मुझे 1 मंथ हुआ है, और मेरे पुराने चैनल 3 साल से मैंने उसको वर्कआउट नहीं किया, उसमें काम नहीं किया है, बीच बीच में एक वीडियो डालता था और फिर छोड़ देता था। 3 साल से वो चैनल, वो मैंने बंद कर दिया, बट उस चैनल में मैंने 3 साल से किया और वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। वो कम से कम कम ज़्यादा टोटल ऑलराउंड देखने को गए तो मुझे 2 महीने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये आप, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ पुराने चैनल की और इस चैनल की, आप तो देख ही रहे होंगे, तो वो आप में आप थोड़ा सा डिफरेंस कीजिए कैसे लग रहा है। देखो, उससे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी, तो हमारे जैसे ही अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स देखिए हमारे। तो देख लिया आपने कैसे मैं फर्स्ट पहले कैसे बोलता था और अभी कैसे बोलता हूँ, ये मुझे 2 महीने के एक्सपीरियंस से आ गया। तो आप सोचिए, आप अगर लगातार काम किया या फिर आपने लगातार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके किया तो आपको बिंदास मीन्स A to Z आपको एकदम परफेक्टनेस आ जाएगा। और नॉर्मली एक बार बोल देता हूँ, अगर ठीक है 6 महीना भी ज़्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ 3 महीने काम करो, फिर अगर वीडियो नहीं बढ़ रहे तो एक एडवर्टाइज डालो, और उसके बाद भी नहीं बढ़ रहे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये मान ही नहीं सकता कि 3 महीने काम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, परफेक्ट एंड वेल एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्या, आपको एडिटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टॉकिंग स्किल तो बोल दोगे, फिर एडिटिंग किधर से इम्प्रूव करोगे? एडिटिंग को आपको प्रैक्टिकली इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद ब खुद सीखना पड़ेगा। क्यों, समझो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती, मैं भी वही प्रैक्टिकली सीख रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी समझो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो इधर इस साइड में कुछ कुछ फोटोज या फिर कुछ टेक्स्ट अच्छे से क्लियरली मेंशन होके आएंगे, या फिर ऑल एंड ऑल जैसे बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं, फिर आपको सिनेमेटिक शॉट्स ये वो भी लेना सीखना पड़ेगा ये सब। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, समझो अगर आपकी वीडियो किधर बीच में समझो थोड़ी सी बोरिंग है या फिर उधर आपके जो ऑडियंस है वो बनाए नहीं रख पा रहे, मीन्स सॉरी उधर आपके ऑडियंस अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो वो एडिटिंग या फिर वो फोटोज वीटोज उनको बने रहने में या फिर सिनेमेटिक शॉट उनको बने रहने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपकी बातें भी बोरिंग होगी तो वो सिनेमेटिक शॉट देख के या फिर वो एडिटिंग देख के वो एनिमेशंस देख के वो बने रहेंगे वीडियो में, ठीक है। तो ये जो मेन सब चीज़ है वो ओवर एंड ऑल एक्सपीरियंस के ऊपर आता है। और आप ये मत सोचो कि यूट्यूब में कर रहा हूँ मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, आप ये सोचो कि हमने पैसे दिए और वो एक कोर्स दे रहा है यूट्यूब हमको, तो वो 6 महीने तक कैसे भी करके करना ही है, डेली करना है, डेली एक वीडियो या फिर हफ्ते में एक वीडियो, बट कंटिन्यूटी रखो। मीन्स वीडियो को समझो एक हफ्ते में अपलोड कर रहे हो तो हर एक हफ्ते में अपलोड करने का, आपके ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि ये जो आप टाइम पीरियड हो मीन्स एक हफ्ते बाद आपकी वीडियो आएगी, तो वो उनको अच्छे से पता रहनी चाहिए, फिर वो आपके चैनल को भी अगर सब्सक्राइब किया तो बने रहेंगे। वरना ऐसे रहता है कि सब्सक्राइब तो कर लेते बट वीडियो आई नहीं तो अभी फिर चले जाते हैं वो लोग, ठीक है। बट कोई कोई रहता है जो वेट करता है, तो आपको ऑडियंस क्या ध्यान रखना है, ऑडियंस क्या चाहती है। तो आप एक एग्जांपल सोचिए कि आप सेल्समैन का जॉब कर रहे हो, सेल्समैन के जॉब में भी क्या होता है कि आपको जो सामने वाला कस्टमर है उसको अच्छे से समझाना रहता है, उसको अच्छे से प्रोडक्ट की वैल्यू या फिर जो कुछ आपके प्रोडक्ट में जितना दम है उतना सामने वाले को दिखाना रहता है कि वो मजबूर हो जाए कि वो प्रोडक्ट को लेने को। वैसे ही आपको यूट्यूब में भी करना है कि जो सामने ऑडियंस है उनको इतना मजबूर करना है कि वो आपकी वीडियो देखे ही देखे एंड तक। तो यही सब आपको एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस के ऊपर जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जैसे मैंने बोला वैसे आप कीजिए, आपके वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए और हमारे वीडियो पे सिर्फ एक लाइक दे देना बस। अगर सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो ये सब आपके विषय से। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।